उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरे YouTube चैनल में आपका दोबारा से स्वागत है। तो आज रसोई विद कान्हा जी में हम बनाने वाले हैं चिली गार्लिक कॉर्न पकौड़ा। उससे पहले गाइस मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी, चिली गार्लिक कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उन्हें नोट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कॉर्न लिए हैं, ये फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज, ये है जी चिली फ्लेक्स, ये है ब्लैक सॉल्ट, ये है जी करी लीव्स और ये है लॉट्स ऑफ गार्लिक, ये है जी कॉर्न स्टार्च और ये है बेसन। तो पहले हमें इन कॉर्न को ग्राइंड कर लेना है बिल्कुल ही रफली, लाइक 3 to 4 seconds हमें ग्राइंड करना है। तो चलिए इसे कर लेते हैं ग्राइंड। तो देखिए जी, मैंने इसे रफली ग्राइंड कर लिया है। मैंने शायद सिर्फ 2 seconds के लिए इसे ग्राइंड किया था। इसे निकाल लेते हैं इसमें। तो इसे मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ कॉर्न को बिना ग्राइंड करे रख लिया था, इसे भी इसमें ऐड कर लूँगी। और इसी के साथ साथ इसमें सारे स्पाइसेस को मैं ऐड कर दूँगी, पहले इस गार्लिक को, इन करी लीव्स को, ग्रीन चिलीज को, चिली फ्लेक्स को और अभी इस ब्लैक सॉल्ट को। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इन स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। तो स्पाइसेस हो गए मेरे मिक्स। अब इसमें मैं सिर्फ 1 चम्मच बेसन और 1 ही चम्मच इस कॉर्न स्टार्च का ले लूँगी और इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो चलिए अब इसे कर लेते हैं हम डीप फ्राई। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें डाल देती हूँ इन चिली गार्लिक पकौड़ा को। इसी तरह मैं सारे पकौड़ों को इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने इन सारे पकौड़ों को डाल दिया है। इसे हल्के हाथों से मैं इस थोड़ा सा हिलाते जाऊंगी। लग रहे हैं ना ये बहुत ही प्यारे। बस इसे हमें क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने देना है। देखिए ये ऑलमोस्ट बनने ही वाले हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं राइट। तो चलिए जी, मेरे चिली गार्लिक कॉर्न पकौड़ा बिल्कुल ही तैयार हो चुके हैं। इसे निकाल लेती हूँ तेल से बाहर और फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। तो चलिए जी, कर लेते हैं इसकी प्यारी सी प्लेटिंग। तो मैं इन सारे पकौड़े को यहाँ पर अच्छे से ग्लेज कर दूंगी। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हुए हैं। चलिए दिखा भी देती हूँ आपको, ये तो टूट भी चुका है। तो इनको मैं सर्व करूँगी इस ग्रीन चटनी के साथ। और इसी के साथ साथ इन पकौड़ों पर मैं ड्रिजल कर दूंगी थोड़ा सा केचप। तो लीजिए जी, मेरे चिली गार्लिक कॉर्न पकौड़ा बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। आप लोग कीजिए इसे अपने घरों में ट्राई और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसे मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट भी है यम्मी यम्मी, बहुत ही प्यारा टेस्ट है इसका। गार्लिक का तो एक अलग ही टेस्ट है इसमें और ये ग्रीन चटनी तो लाजवाब है। और इस ग्रीन चटनी का इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसमें लिए थे वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एंड प्लीज़ गाइस, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ।